शक्ति अस्तित्व के एहसास की मैं इन दिनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी के एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि हीर के स्कूल में सभी बच्चों का मेडिकल चेकअप होने वाला है सभी के पेरेंट्स से पूछकर, और जब माही के पास फोन आता है तो माही हीर के लिए भी परमिशन दे देती है क्योंकि वो चाहती है कि हीर की सच्चाई सभी के सामने आ जाए। तो वही सौम्या नर्स बनकर जाकर हीर को बचा लेती है। तो वही आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि सौम्या हीर के साथ बाहर गई होती है, हीर खेल रही होती है, वहीं पर वेदांत भी आया होता है एक क्लोन पहनकर ताकि वो हीर को किडनैप कर सके और किसी को पता भी न चले, क्योंकि वेदांत को माही ने बताया होता है कि हीर बाहर गई है। वहीं पर सौम्या के पास एक फेक कॉल आता है कि हरमन यहाँ पर है और सौम्या ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। सौम्या को लगता है कि उस क्लोन के अंदर हरमन जी हैं लेकिन वो वेदांत है और हीर को किडनैप करना चाहता है। तो वही माही वेदांत को कॉल करके बताती है कि हीर के साथ सौम्या भी है, और अर्जुन भी वेदांत को सावधान कर देता है कि हीर के पास सौम्या भी है और वो तुमको ही देख रही है, और अर्जुन बच्चों के साथ खेलने लगता है। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार वेदांत हीर को किडनैप कर पाएगा या फिर सौम्या फिर से उसको बचा लेगी। तो अब आपका क्या कहना है इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर, और अर्जुन और वेदांत का क्या रिश्ता है जो अर्जुन वेदांत की मदद कर रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।